हम तो बताएंगे, डंके की चोट पे खड़े होकर बताएंगे, मस्जिद के स्पीकर में खड़े होकर बताएंगे कि तुम। सत्यम जी, यस, क्या बोलना चाहेंगे आप? जी मैडम, मुझे ये बोलना चाह मैं ये बोलना चाहता हूँ, सर कलम के करने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है उन लोगों को? बकरी से ही तो मिल रही है। नहीं, नहीं, ये मिल रही है बकरी कुरान से, कुरान से नहीं, हदीसों से मिल रही है। ये आपको मिल रही है, 1400 साल पहले भी सर कलम हुए थे, इसी तरह से मैम मारा करे गया था। जी, नई जनरेशन को करेज कहाँ से मिल रही है? मदरसों से। मैम आप जो है ये बताइए, कोई छोटा सा बच्चा है क्या, उसको कोई ह्यूमन का सर काट के दिखाया जाएगा? वो ब्लड देखता है शुरू से ही काटते हुए, उसको किस तरह काटा जाता है, हलाल किया जाता है, इसे बोलते हैं क्रुएल्टी। नहीं, वो बात आपकी हम सही है हलाल कर रहे सत्यम हैं। जी, ऐसी बात नहीं है। हमारे भी घरों में हुई थी कुर्बानियां, होती थी, हमारे भी घर में मरते, हमने तो कभी नहीं देखा, हमको कभी दिखाया नहीं गया, लड़कियों को तो हमने कभी भी नहीं देखा। और हमारे जो दूसरे थे लड़के या जो भी थे वो कर रहे थे, उन्होंने तो जाके किसी के सर नहीं कलम कर दिए। वो पहली बात तो वो करते नहीं थे। हमारे पास वो आता था, क्या कहते हैं उसको यार, जो बुचर होता है वो आता था, वो करता था कलम। और लोग जो देख रहे होते थे हमारे में, ऐसे तो किसी मर्द ने उठ के किसी का सर कलम नहीं कर दिया है। ये थिंग आ रही है आपकी हदीसों में से, एग्जाम्पल सेट हुई है। देखें, आप एक कोर्ट में जाते हैं, राइट, कोर्ट में एक केस लेके जी जाएंगे ना, तो कोर्ट वाले वो केस देखेंगे कि भाई ऐसा केस हमारे पास पहले आया था, हमने उसको कैसे डील किया। एक प्रेसिडेंट सेट हो जाता है आपका, राइट। अब एक प्रेसिडेंट सेट हुआ हुआ है कि एक शायरा थी जो गुस्ताखी करती थी, रसूल के बारे में शायरी करती थी, उसको लोगों ने जाके मारा, और फिर उस पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया। इसी तरह से तीन चार लोग हमको हिस्ट्री में मिलते हैं जो सुन्नतों में, आपकी हदीसों में लिखा हुआ है कि इनके साथ क्या किया गया और ये क्या कर रहे थे। ये गुस्ताखी कर रहे थे तो इनके साथ क्या किया गया। तो दिस इज कमिंग फ्रॉम 1400 ईयर्स। आप लोग बस इतना ही बात करो जब से पाकिस्तान बना है। ये नो, दिस इज बीन गोइंग ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम। द ओनली डिफरेंस इज उस वक्त हमारे पास बुक्स थी, ठीक है ना। सॉरी, नो, उस वक्त बुक्स भी नहीं थी। उस वक्त कोई क्वेश्चन नहीं करता था, ना क्रिश्चियनिटी को, ना जुडेइज्म को, ना इस्लाम को, क्योंकि आपका सर तन से जुदा हो जाता था, ठीक है। फिर हमारे पास बुक्स आनी शुरू हुई। गैलीलियो को क्रिश्चियंस ने उस पर जो है अटैक्स किए थे जब वो अपनी चीजें बताना शुरू कर रहा था। फिर आई बुक्स, जब से पहली बुक आई थी जो लिखा गया था, क्या नाम था, रंगीला रसूल। तो रंगीरा जी रसूल का जी उसके साथ क्या किया गया। फिर सलमान रश्दी, उनका तो भी सलमान रश्दी के साथ क्या हुआ। तो दिस इज नॉट समथिंग दैट इट जस्ट हैपेंड टुडे। आज इस वजह से ज्यादा हो रहा है क्योंकि इंफॉर्मेशन सबके सामने है, सबको दिख रहा है कि क्या हुआ था, क्या हो रहा है। लौंडी आपने उसमें रखी हुई है, बीवी की बिटाई आपने उसमें लिखी हुई है, यू नो। तो लाइक पीपल आर गोना आस्क दिस क्वेश्चन। जैसे आप ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या मोहम्मद जी लौंडियां रखते थे, लो गुस्ताखी हो गई, इसका सर तन से जुदा कर दो। मैम, एक दूसरा सवाल है आपसे। आप बोल रहे हैं हम किसी भी कम्युनिटी को हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, खासकर मुसलमानों को, पर मैं इसलिए जिम्मेदार ठहराता हूँ क्योंकि फंड तो वही कर रहे हैं हमको। नहीं, सर मैम फंड फंड भाई, तो मुसलमान सीधी है। कम्युनिटी जो है, गरीब कम्युनिटी, वो तो उनके तो खुद के खाने के लाले पड़े हुए हैं, उनके खुद के मैम खाने में। जकात कौन दे रहा है? मैम जकात कौन दे रहा है? पाकिस्तान का बजट देखिए और उसमें देखिए डिफेंस का बजट कितना है और वैसे बजट कितना है। वो बेचारे तो खुद खाने के लाले पड़े हुए। एक बंदा जिसने कमाई करनी है और रिक्शा चलाना है, उसको ये ज्यादा फिक्र है कि मैं अपने बच्चे को आज खाना दूंगा कि नहीं, ठीक है। मेजोरिटी लोग ऐसे ही हैं, किनको कॉल आउट करना मैम चाहिए, जिनके पास पैसा है ये लोग जकात फंड कर रहे फाउंडेशन, मैम जकात फाउंडेशन फंड कर हैं। रहा है इंडिया में बड़ी बड़ी जो स्कीम, जकात। जैसे केयर है यूएस में, ठीक है ना, वो मुस्लिम ब्रदरहुड होता था, अब उन्होंने केयर बना दिया है। ये लोग कर रहे होते हैं फंड, इन लोगों का पैसा घूम। मैम जकात तो आम मुसलमान ही देता है मैडम, ये भी तो अरे भाई, सोचिए। एक बंदा जो गरीब है वो कितनी ज़कात दे देगा। उसकी खुद की इनकम अगर सोचें, अगर एक दिन में वो 500 रुपए कमा के ला रहा है, तो उसमें से उसने कितनी ज़कात दे देनी है, 20 रुपए।
उनसे पूछो जो बड़े रईस लोग हैं, जो हजारों डॉलर्स दे रहे हैं जकात में हलाल के नाम पर। ये हलाल बिजनेस भी जो है ना, दिस ऑल्सो सपोर्ट अ लॉट ऑफ टेररिज्म। यहाँ पर लोगों ने ऑलरेडी इस चीज के ऊपर बहुत डिस्कशन की हुई है कनाडा में। तो ये जो हलाल चीजें जो चल रही है ना, दैट इज ऑल्सो ये घन चक्कर बनाया हुआ है। फिर केयर की फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन किसने बनाएंगे? बड़े बड़े लोग हैं ना, ये करते हैं इन चीजों को स्पॉन्सर। गरीब तो वैसे ही मर रहा है, गरीब आज नहीं तो कल भूख से मर जाना है उसने। तो उसको तो वैसे ही ना आपने पानी दिया है, ना लाइट दी है, ना उसको जीने का हक दिया है, तो गरीब तो वैसे ही पिस रहा मैं है। हलाल फाउंडेशन, जकात फाउंडेशन, ये मैडम बहुत एक्सट्रीम तरीके से फंड कर रहे हैं टेररिज्म को इंडिया में। आप देखिए, अच्छा जाके चलिए। गूगल पे सर्च करिए। हाँ नहीं, मैंने इस पे किया हुआ है सर्च, यहाँ पर भी लोगों ने काफी सारी डेटा निकाल के किया है। मगर हमारी वही है ना, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस या गवर्नमेंट्स हैं वो इस पे अपीजमेंट में लगी हुई है ना, अपीजमेंट में। जस्टिन ट्रूडो ने कुछ कमेंट किया इस पे ना? कुछ नहीं बोला होगा। हाँ, अगर कोई मुसलमान मर जाता तो जस्टिन ट्रूडो ने फौरन कमेंट करना था कि देखो इंडिया कितना खराब है, इंडिया में मुसलमानों पे बहुत जुल्म हो रहा है, ये जरूर आता। आई कैन गारंटी यू ये आना था। मगर अभी किसी ने भी नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, नोबडी हैज सेड एनीथिंग। चलें, थैंक यू सो मच सत्यम जी। अब हम इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है।